नमस्कार दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में मैंने बताया कि अश्वगंधा एक बहुत ही पावरफुल मेडिसिन है आपकी शारीरिक वीकनेस, मानसिक वीकनेस और सेक्सुअल वीकनेस को दूर करने के लिए। दोस्तों, अश्वगंधा की तुलना की जाती है जिनसेंग से, क्योंकि अश्वगंधा को इंडियन जिनसेंग कहा जाता है। तो आप स्वयं सोचिए कि जब अश्वगंधा इतनी पावरफुल मेडिसिन है, इतनी ज्यादा बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है और इसकी तुलना जिनसेंग से की जाती है, तो जिनसेंग स्वयं में कितनी पावरफुल मेडिसिन होगी। दोस्तों, जिनसेंग एक हेल्थ टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये आपके शरीर की किसी भी प्रकार की वीकनेस, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, सेक्सुअल, उसको दूर करने का काम करता है। वैसे तो जिनसेंग चीन, दक्षिण कोरिया, जापान का मूल रूप से पाया जाने वाला पौधा है, किंतु अब इसकी खेती भारत में भी की जाने लगी है। जनरली जिनसेंग को हेल्थ टॉनिक में मिलाया जाता है और आपकी हेल्थ को ओवरऑल डेवलप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किंतु यदि लक्षणों की बात करें तो जिनसेंग आपके शारीरिक विकास के लिए, आपके मानसिक विकास के लिए, आपके अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहले शारीरिक कमजोरी की बात करें तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ा सा काम करने के बाद भी थकावट सी आ जाती है, दिन भर सुस्ताए अलसाए से पड़े रहते हैं। ऐसे लोगों को जिनसेंग जो है उनके अंदर स्टेमिना बढ़ाने का, उनके अंदर एनर्जी बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा दोस्तों, जो नर्वस वीकनेस होती है, जैसे बहुत से लोग थोड़ा सा पढ़ने के बाद थक जाते हैं, या कई लोग जो ऑफिस में काम करते हैं वो ऑफिस से आने के बाद इतने ज्यादा थक जाते हैं कि आते ही सोफे पर बैठ जाते हैं या पलंग पर लेट जाते हैं, तो ऐसे लोगों की वीकनेस को भी जिनसेंग जो है पूरी तरह से ठीक करने का काम करती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति लगातार स्ट्रेस से, तनाव से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति की स्ट्रेस को दूर करने का काम भी जिनसेंग करती है। दोस्तों, जो लेटेस्ट स्टडी हुई है उसमें यह पाया गया है कि जिनसेंग के अंदर कैंसर से लड़ने की भी क्षमता होती है, यह आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी को डेवलप करने का काम करती है। तो यदि कोई व्यक्ति जिसमें पारिवारिक हिस्ट्री रही हो कैंसर की, जैसे किसी व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि में कैंसर की हिस्ट्री रही हो, ऐसे लोगों में कैंसर होने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। तो ऐसे लोग भी यदि कुछ समय तक जिनसेंग का उपयोग करते हैं तो उनके अंदर कैंसर से लड़ने के प्रति प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे बढ़ने लगती है और कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दोस्तों, जिनसेंग को आंखों की बीमारियों के लिए भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। कई सारे लोग आप देखेंगे कि उनकी आंखों में आपको ग्रे स्पॉट्स दिखेंगे, तो ये स्पॉट्स भी जिनसेंग के लगातार यूज से दूर हो जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई सारे लोगों में डिप्लोपिया बीमारी होती है, तो ऐसे व्यक्तियों में जो भी वस्तु होगी वो एक की जगह दो दिखाई देती है, तो ये बीमारी को ठीक करने का काम भी जिनसेंग करती है। ऐसे लोगों को यदि जिनसेंग लगातार कुछ समय तक दें तो ये जो डिप्लोपिया की बीमारी है ये धीरे धीरे ठीक होने लगती है। दोस्तों, जिनसेंग हार्ट की बीमारियों में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये आपके अंदर जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को कम करने का काम करता है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है HDL जो होता है उसे बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा ये आपके हाइपरटेंशन को भी लिमिट में रखने का काम करता है, तो बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जिनसेंग डायबिटीज के केस में भी यूज किया जाता है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को तो कम करता ही है, इसके अलावा ब्लड शुगर कम होने के कारण या डायबिटीज के पेशेंट में जो कमजोरी आ जाती है उस कमजोरी को दूर करने का काम भी करता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया है कि जिनसेंग एक बहुत ही बढ़िया हेल्थ टॉनिक है और आपके शरीर में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी प्रदान करने का काम करता है, तो डायबिटीज के कारण जो शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है उसको भी वापस हेल्थी बनाने का काम जिनसेंग करता है। दोस्तों, जिनसेंग का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम की समस्याओं में। तो बहुत सारे लोगों को यह शिकायत होती है कि उन्हें स्वयं में अपने पेट से गड़गड़गड़ की आवाज सुनाई देती है, जिसे रंबलिंग साउंड कहते हैं, रंबलिंग या गार्गलिंग साउंड। तो दोस्तों, ये जो अपने आप में गड़गड़ाहट की आवाज पेट से सुनाई देती है, इसे दूर करने का काम भी जिनसेंग करती है। इसके अलावा कई सारे लोगों में लीवर के नीचे दर्द होता है, लीवर के नीचे जो अपेंडिक्स की प्लेस होती है वहां पर लगातार पेट में दर्द होता रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों के दर्द भी जिनसेंग दूर करने का काम करती है। इसके अलावा दोस्तों, जिनसेंग में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है, तो ये जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है इसके साथ व्यक्ति की जो है इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ जाती है। इसके अलावा उसके शरीर से टॉक्सिन्स मटेरियल बाहर निकलने की क्षमता बढ़ जाती है, तो इसके कारण जिनसेंग के लगातार यूज से व्यक्ति की स्किन में भी ज्यादा शाइनिंग या ज्यादा ग्लो आने लग जाता है। तो इस प्रकार से देखें तो जिनसेंग को आप अश्वगंधा प्लस जिंको बिलोबा का कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। मतलब जो प्रॉपर्टीज अश्वगंधा में पाई जाती है और जिंको बिलोबा में पाई जाती है, वो दोनों यदि आप दोनों के गुणों को एक साथ लेना चाहें तो आप जिनसेंग का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा पुरुष हो या महिला, दोनों ही के केस में यदि बहुत ज़्यादा रूमेटिज्म की शिकायत हो, जोड़ों के दर्द की शिकायत हो, तो वहाँ भी जिनसेंग बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचाती है। खासकर यदि लंबर रीजन में दर्द हो रहा हो, जैसे पीठ में दर्द हो, कमर में दर्द हो, या जैसे कई सारे महिलाओं में साइटिका की समस्या होती है, तो इन सभी में जिनसेंग के बहुत ही ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। खासकर साइटिका के केसेस में जो कमर से लेकर नीचे जांघ तक या घुटने तक बहुत ज़्यादा झुनझुनी सी प्रतीत होती है, बहुत ज़्यादा जलन सी लगती है और पाँव बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, यह जिनसेंग का एक बहुत ही मुख्य सिम्टम है। तो यदि पाँव में दर्द हो तो शायद जिनसेंग असर ना करे, किंतु यदि साइटिका के कारण जैसे पाँव में बहुत ज़्यादा हेवीनेस लगती हो,
पाँव बहुत ज़्यादा भारी लगता हो, पाँव उठाने में ऐसा लगता है जैसे उसका वजन कई गुना ज़्यादा बढ़ गया हो, तो ऐसे केसेस में भी जिनसेंग बहुत ही ज़्यादा असर करती है। खासकर पीछे कमर के निचले हिस्से में जो लगातार दर्द बना रहता है उसे भी जिनसेंग दूर करने का काम करती है। इसके अलावा दोस्तों जिनसेंग के जोड़ों के दर्द की एक विशेषता होती है कि व्यक्ति जब भी चलता है तो उसके जोड़ों से कट कट की आवाज आती है। जैसे यदि व्यक्ति के घुटनों में दर्द हो रहा है तो वो थोड़ा सा जैसे ही चलना फील करेगा, थोड़ा सा जैसे ही चलना शुरू करेगा तो उसके घुटने दर्द तो करेंगे ही करेंगे, इसके साथ ही घुटनों में से कट 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 ऐसा साउंड लगातार सुनाई देगा। तो ऐसे व्यक्तियों को जिनसेंग बहुत ही ज्यादा अच्छा असर करता है। दोस्तों जिनसेंग आपके ब्लड सर्कुलेशन को सुधारने का काम भी करती है। तो ब्लड सर्कुलेशन यदि सुधर जाता है तो स्किन जो है आपकी आपकी एज से कम दिखने लगती है, मतलब आपके एजिंग एक्टर को भी ग्रो करने से धीरे धीरे जिनसेंग रोकती है, आपकी एज जो है अपनी नेचुरल एज से धीरे धीरे कम लगना शुरू हो जाती है। इसके अलावा आपकी झुर्रियों को कम करती है और आपके चेहरे में एक नेचुरल चमक, एक नेचुरल ग्लो पैदा करने का काम करती है। दोस्तों जिनसेंग आपके माइग्रेन के केसेस में भी बहुत ही अच्छा असर करती है। तो माइग्रेन में कई सारे लोगों को, जैसे साधारण हिंदी में कहें तो आधा सीसी का दर्द होता है, आधा सर जो है कभी इस साइड का या कभी उस साइड का बहुत ज़्यादा दुखने लगता है, कोई एक नस बहुत ज़्यादा तड़कने लगती है, साथ साथ कभी कभी चक्कर से आते हैं, तो ऐसे केसेस में जिनसेंग बहुत ही ज़्यादा फायदा पहुँचाती है। दोस्तों जिनसेंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बार बार हिचकी आने के केसेस में। तो कई सारे लोगों को ये समस्या होती है कि जब भी खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उन्हें लगातार हिचकी आते रहती है। ये हिचकी जो बंद नहीं होती और आसपास जो लोग बैठे रहते हैं उनके सामने ये जो थोड़ा सा शर्मिला सा प्रतीत होता है, मतलब ठीक नहीं लगता। तो ऐसे लोगों को यदि दो दो तीन तीन घंटे के अंतराल से बार बार जिनसेंग का मदर टिंचर पिला देते हैं तो उनकी हिचकी आना बंद हो जाती है। हिचकी आने के केसेस में दोस्तों जिनसेंग जो है होम्योपैथी की सबसे मुख्य औषधि और बहुत ही अच्छा उसमें लाभ पहुंचाती है। दोस्तों जिनसेंग को वायग्रा भी कहा जाता है, होम्योपैथी में वायग्रा कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि वायग्रा मेडिसिन का यूज कहाँ किया जाता है, तो होम्योपैथी में जिनसेंग को सेक्सुअली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चाहे इम्पोटेंसी की शिकायत हो या चाहे प्री मेच्योर एजुकुलेशन की शिकायत हो, अर्ली एजुकुलेशन की शिकायत हो, नाइटफॉल की शिकायत हो, खासकर किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटीज के बाद यदि व्यक्ति में बहुत ज़्यादा वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी लग रही हो, ऐसा मन कर रहा हो जैसा बहुत ज़्यादा थक गया हो, सोने की इच्छा होती हो, तो ऐसे केसेस में जिनसेंग देने से व्यक्ति के अंदर स्टेमिना एनर्जी वापस बढ़ जाती है और वापस व्यक्ति अपने आप को जवान और तंदुरुस्त सा महसूस करने लगता है। दोस्तों स्पर्म की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी जिनसेंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारे लोगों में जो है स्पर्म की क्वांटिटी कम हो जाती है और बहुत सी मेडिसिन यूज करते हैं पर कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो ऐसे लोगों में भी यदि कुछ समय तक जिनसेंग लगातार दिया जाए तो उनकी स्पर्म की क्वांटिटी जो है वो धीरे 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 लगातार बढ़ जाती है। एक स्टडी भी की गई दोस्तों, उसमें यह पाया गया है कि लगातार कुछ समय तक जिनसेंग का उपयोग किया जाए तो स्पर्म की क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी तो बढ़ती है साथ ही साथ स्पर्म की क्वालिटी भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दोस्तों कुछ लोगों में अचानक बिना किसी कारण के चक्कर आने की शिकायत होती है। ऐसे लोगों की जब आप जांच करेंगे तो उनमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं मिलेगा जिसमें आपको पता चल सके कि इनमें चक्कर किस कारण से आएंगे। बीपी यदि उनका देखेंगे तो बीपी नॉर्मल आएगा, खून की कमी उनमें होगी नहीं। और भी दूसरे कारण यदि आप पता करने की कोशिश करेंगे तो चक्कर का कोई कारण नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों को भी यदि जिनसेंग कुछ समय तक लगातार देते हैं तो उनके चक्कर आने की शिकायत बिल्कुल खत्म हो जाती है। जिनसेंग को महिलाओं में मीनोपास के दौरान जो शिकायतें आती है उसको दूर करने के लिए भी जिनसेंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो महिलाओं में जब मीनोपास का समय नज़दीक आता है तो बहुत सारी समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है। पूरे शरीर में दर्द सा रहने लगता है, बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर से जैसे गर्मी उत्पन्न हो रही है इस प्रकार के लक्षण आते हैं, चिड़चिड़ापन जो है लगातार बना रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता। तो ये सारे लक्षणों को दूर करने के लिए भी जिनसेंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि चाहे महिला हो या पुरुष, सभी की शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए या मानसिक कमजोरी, स्ट्रेस, तनाव, नर्वस वीकनेस, बॉडी वीकनेस को दूर करने के लिए जिनसेंग का इस्तेमाल किया जाता है। खासकर जिनसेंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हिचकी के केसेस में, कमजोरी दूर करने के लिए, और मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स की जितनी भी कमी है, जितनी भी बीमारियां उनको दूर करने के लिए, चाहे इंपोटेंसी हो, अर्ली एजुकुलेशन हो, स्पर्म की कमी हो, चाहे नाइटफॉल हो, या इन सभी के बाद आने वाली कमजोरी हो, सभी को दूर करने के लिए जिनसेंग का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मैं तो यहां तक कहूंगा आपको कि जिनसेंग का यूज भी होता है और मिस यूज भी होता है। यूज इसलिए होता है क्योंकि इन सभी बीमारियों में जिनसेंग बहुत ही अप्रत्याशित परिणाम देती है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, किंतु यूज इसका तब सही होता है जब आप इसको किसी फिजिशियन या किसी होम्योपैथी गाइडेंस के अंडर में लेते हैं, क्योंकि वो जानता है कि आपको कब कितनी डोज देना है, कब आपकी मेडिसिन बंद करना है, कब डोज ज़्यादा करना है, कब डोज कम करना है। किंतु कई सारे लोग जो होते हैं केवल जिनसेंग के वीडियो देखकर खुद के अपने स्वयं के विवेक से ही जिनसेंग लेना शुरू कर देते हैं, जो जिनसेंग का मिस यूज है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अब जिनसेंग आपको कब बंद करना है या आपको जिनसेंग के साथ और कौन सी मेडिसिन लेना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे लक्षणों के आधार पर जिनसेंग तो बहुत ही अच्छी दवा है, किंतु उसके साथ हमें एक दो दूसरी दवाइयाँ लेने की भी आवश्यकता पड़ सकती है ताकि आपका ट्रीटमेंट पूरा एक कंप्लीट हो सके। तो आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप जिनसेंग का मिस यूज ना करें। जब भी आपको जिनसेंग यूज करना है
किसी फिजिशियन या किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की गाइडेंस में ही करें। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर जिनसेंग की नॉर्मल डोज जो होती है वो कितनी होती है। तो दोस्तों जिनसेंग को आप अपनी उम्र के हिसाब से उसकी बूंदों को तय कर सकते हैं, जो मेरा देने का नॉर्मल तरीका है। यदि आप 5 साल के हैं, छोटे बच्चे को जिनसेंग देना चाहते हैं उसकी पावर बढ़ाने के लिए, तो 5 बूंदे सुबह दोपहर और शाम थोड़े से पानी के साथ। या यदि आप मैच्योर हैं, एडल्ट हैं, 20 साल से ऊपर के हैं या 20 साल के हैं, तो 20 बूंदे सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी के साथ दिन में 3 बार ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको जिनसेंग का मदर टिंचर दिखा देता हूँ। ये दोस्तों दूसरे होम्योपैथिक मदर टिंचर्स की तुलना में कॉस्टली होता है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मैंने इसकी तुलना अश्वगंधा से की तो अश्वगंधा आपको बहुत 30 ml लगभग 100 रुपये के आसपास का मिल जाएगा, किंतु दोस्तों जिनसेंग की ये जो बाटल आप देख रहे हैं ये लगभग 450 ml की है और इसकी कीमत लगभग 4000 रुपये है। तो यदि आप जिनसेंग को 30 ml के छोटे पैक में खरीदेंगे तो उसकी कीमत आपको लगभग पड़ेगी 300 रुपये के आसपास। तो इस प्रकार से देखें तो ये दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन की तुलना में थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसलिए इसका उपयोग जो है आप यदि किसी डॉक्टर की देखरेख में ही करेंगे तो ना तो आपका पैसा वेस्ट जाएगा ना ही मेडिसिन का मिसयूज होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे जाकर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।